अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के साथ लिया, और दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहा है तंसर शरीफ में, क्योंकि उसका घर वहीं पे है। हम जाएंगे इकट्ठे लिया, वहाँ एक दोस्त का वलीमा है वो अटेंड करना है, और एक सराकी सिंगर हैं रावल बलोच साहब, उनसे भी आप लोगों की मुलाकात कराएंगे, और चंद सिंगर भी होंगे उनसे भी आप लोगों की मुलाकात ज़रूर होगी और उनसे कुछ सुनेंगे। अब मैं पहुंच गया हूँ तौसा शरीफ, तौसा शरीफ पहुंच गया हूँ। ये राणा साहब हैं, राणा अदनान साहब, ये भी मेरे साथ जा रहे हैं, और ये हमारा हाजी साहब है, दोस्त है, इसका कारोबार है, और वो सामने जो है ना अड्डा नज़र आ रहा है, हम वहाँ से चढ़ेंगे और जाएंगे अपनी मंजिल की तरफ। क्यों भला कहीं दे सितम कहीं दी जफा याद करूं, क्यों भला कहीं दे सितम कहीं दी जफा याद करूं, आपको याद निसे गैर को क्या याद करूं, क्यों भला कहीं दे सितम कहीं दी जफा याद करूं। याद आसन आसन वेले तवला रो रे सुन, जान क्या फायदा उहे वेले वला याद करूं, आपको याद निसे गैर को क्या याद करूं, क्यों भला कहीं दे सितम कहीं दी जफा याद करूं। वसल ता खैर है खैरात नसीबे दी सजन, वसल ता खैर है खैरात नसीबे दी सजन। हम लिया पहुंच चुके हैं दोस्त की शादी पे, लेकिन शादी हाल खाली है, हम दो बैठे हैं बस और कोई नहीं है अभी तक, वेट करते हैं। फिर फोन किया है दोस्त को, वो कहता है हम आ रहे हैं। अब हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि शादी हाल में कोई नहीं था। अब हम जा रहे हैं एक हमारे सराकी वसों के जाने माने सिंगर हैं, उनके पास जा रहे हैं, उनको फोन किया है, उन्होंने कहा है आ जाए आप, चलो आपको उनसे भी मिलाते हैं। हम पहुंच चुके हैं बलोच साहब के जबारे पे। अब मैं पहुंच चुका हूं रावल बलोच साहब की एकेडमी में लिया में। ये है हमारे रावल बलोच साहब, हमारे सराकी वसीम का मान और लिया की पहचान, और हमारे साथ एक मशहूर शख्सियत जो है ना और भी मौजूद हैं। आप लोगों ने देखा होगा कल जो है ना परसों 21 फरवरी थी, हाँ 21 फरवरी को जो है ना इमरान खान आया था लिया, वहाँ पे जो है ना उनके लिए एक नगमा तैयार किया था ये नौकर अब्बास साहब, हमारे नौकर साथ नदीम। नौकर नदीम साहब हैं ये हमारे साथ, इनसे भी कुछ आज सुनेंगे।
इंशाल्लाह। आओ दिल रोज मैं
दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।